में विश्व हास्य दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में सुबह सेंट्रल पार्क में हंसी के ठहाके लगे। गुरुकुल योग संस्थान की ओर से सेंट्रल पार्क में हास्य का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जयपुर के कई नामी हास्य कलाकार अपने ग्रुप के साथ हंसाने के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर का नाम रोशन किया। हास्य के इस कार्यक्रम को पिछले 20 सालों से आयोजित किया जा रहा है। गुरुकुल योग संस्थान के मुख्य संरक्षक राजू मंगोड़ी, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य, मोटिवेटर पी के मस्त ने भी शिरकत की। हम सभी लोग खेला करते थे, कोई जाएंगे लंबी गहरी सांस लेंगे हंसते हंसते रोते रोते। विश्व हास्य दिवस के उपलक्ष में समस्त भारतवासियों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं दूंगा, और साथ ही हरदम प्रसन्न रहें, स्वस्थ और मस्त रहें। उसकी शुरुआत प्रारंभ से कहते हैं कि भाई शुरुआत ही खुशी से हो, तो यहाँ मैंने देखा हास्य दिवस में इतने वर्षों से मैं आ रहा हूँ कि नित्य प्रतिदिन योगासन करना और साथ में हंसने का और हंसाने का बहुत बड़ा विराट कार्यक्रम करना, यानी शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखने का, मनचित्त को स्वस्थ रखने का, आनंद में जीवन जीने का, जीवन को सुव्यवस्थित रखने का की शुरुआत यहाँ हमारे जयपुर सेंट्रल पार्क से की जाती है। मैं हास्य दिवस के पूरे क्लब को, उनके पूरे परिवारजनों को बधाई देना चाहूँगा। ये जैसा कि हम सब जानते हैं, आज ये जयपुर की सबसे खूबसूरत जगह है सेंट्रल पार्क, और इस खूबसूरत जगह पर आज ये हास्य दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, और पूरे जयपुर में नहीं हिंदुस्तान में ये सेलिब्रेट हो रहा है। गुरुकुल योग संस्था समय समय पर और लोगों को जोड़ने का और हंसाने का और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने का कार्यक्रम करती रहती है। उसी उपलक्ष में वर्ल्ड लाफ्टर डे, जो कि लोग आप देख रहे हैं किस तरीके से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लोगों को समय ही नहीं है हंसने का, लेकिन आप देखिए कि आज जिस तरीके से हंस रहे हैं, आने वाले 2-3 महीने तक तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।